स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सांप आना शुभ और अशुभ संकेत देता है। ज्यादातर ज्योतिषी सपने में सांप दिखने को धन लाभ का इशारा बताते हैं, तो वहीं कई जानकारों के मुताबिक सपने में बार बार दिखना या सांप का काटना काल सर्प दोष का भी संकेत भी हो सकता है। इस सपने के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए और इस सपने से मुक्ति पाने के लिए आपको निश्चित रूप से कुछ उपाय करने की जरूरत है। ऐसे में आपको भी सपने में बार बार सांप दिखते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सपने में बार बार सांप दिखते हैं तो क्या करना चाहिए और इनसे मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुंडली टीवी पर। सपने में दिख रहे सांपों के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए नाग पंचमी के दिन आप व्रत रखें और अष्ट नागों की पूजा करें। इसके लिए महादेव और माता पार्वती की प्रतिमा और नाग देवता की तस्वीर को एक चौकी पर रखें, फिर उस पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, चावल और फूल चढ़ाएं। कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर पहले शिव को, फिर नाग देवता को चढ़ाएं। फिर नाग पंचमी की कथा सुने और नाग देवता से जीवन में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद आरती गाएं और शाम के समय व्रत का पारण करें। इस उपाय से आपको ऐसे सपनों से बचाव हो सकता है। अगले उपाय के तौर पर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं और एक स्वास्तिक बनवाएं, फिर इन चांदी के नाग को एक थाली में रख दें और स्वास्तिक को दूसरी थाली में रखें। इनकी पूजा करें। चांदी के नागों को कच्चा दूध चढ़ाएं, स्वास्तिक पर बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद नाग गायत्री मंत्र ओम नाग कुलाय विद्महे विष दंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद चांदी के सांपों को किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और स्वास्तिक को अपने गले में धारण कर लें। नाग पंचमी के दिन ये उपाय कई समस्याओं से बचा सकता है। आप नाग पंचमी के दिन किसी सपेरे से नाग और नागिन का एक जोड़ा खरीद कर उसे जंगल में मुक्त करवा दें। इसे भी बहुत कारगर उपाय माना जाता है। इससे सर्प से जुड़ी कोई भी समस्या दूर होगी। साथ ही अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो थे नाग पंचमी पर करने वाले उपाय जिसके माध्यम से आप नाग दोष से बच सकते हैं। साथ ही आपको सपने में सांप का भय भी नहीं रहेगा। आगे आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में सांप को बिल में जाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। वहीं सांप को बिल से बाहर निकलते देखना धन हानि का संकेत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्रों व रिश्तेदारों तक ये जानकारी पहुँच सके। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।